नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के थाना पवई पुलिस ने लोगों को बेला फुसलाकर व डरा धक्कर धर्म प्रवर्तन कराने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 9 जुलाई 2023 की बात है, जहां वादी ब्रजेश पांडे पुत्र अरविंद पांडे निवासी ग्राम सिकंदर पट्टी थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर तहरीर दिया कि ग्राम नरवाड़ी ढाका में विजय बहादुर बिंद के खेत में बने कमरे में कुछ लोगों द्वारा आसपास के कम पढ़े लोगों को लालच देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा है तथा हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित तथा लोगों को धर्म परिवर्तन हेतु पैसा बांटने का भी कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज 9 जुलाई को आजमगढ़ के पवई थाने में ब्रजेश पांडे, ये सिकंदर पट्टी पवई के रहने वाले हैं, इन्होंने सूचना दी कि पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही नरवारी ढाका गांव के विजय बिंद के खेत में एक कमरे में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने के लोग गए। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के संगीत बजाए जा रहे हैं और तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं हिंदू मूर्तियों के विरुद्ध। इस बात पर हमारे थाने के कर्मचारी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 6 महिलाओं को वहाँ पर उपस्थित पाया और मूर्तियाँ और फोटो और एक धार्मिक पुस्तक ईसाई धर्म की वहाँ पर बरामद हुई, जिससे जो प्रथम दृष्टया आरोप ब्रजेश पांडे द्वारा लगाए गए थे उनकी प्रारंभिक पुष्टि होने पर एक मुकदमा कायम किया गया है। 6 महिलाएं इसमें नामजद हैं, उसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की रहने वाली हैं। ये आरोप लगाया गया है कि ये महिलाएं आसपास के गरीब लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाकर कि उनके देवता की उपासना करने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी और इसके अलावा आर्थिक रूप से उनको प्रलोभित करके धर्म परिवर्तन का काम कराती हैं। इस पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया, 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।